हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल किसान पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेंजर पीबीटी 501। देख सकते हो आप स्टेंजर पीबीटी 501। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये एम्पलीफायर कैसा है, इसकी परफॉर्मिंग कैसी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की। देख सकते हो तो सामने ऐसे दिखने में ये कुछ इस प्रकार है। ये आउटपुट लाइट है, देख सकते हो लाइट है, इसमें 10 लाइट दी हुई है। ये इसका वॉल्यूम बटन है, ये इसका बेस बटन है दोस्तों, ये इसका मिड बटन है और ये इसका ट्रेबल है। दोस्तों, सामने स्ट्रेंजर की ब्रांडिंग है, 5501 लिखा हुआ है। ये इसका स्पीकर और हॉर्न चलाने के लिए स्विच दिया हुआ है कि अगर आप स्पीकर चलाना चाहते हो तो इसको दबा दो और हॉर्न चलाना चाहते हो इसको ऊंचा उठा दो थोड़ा। देख सकते हो दोस्तों, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है। इसमें दोस्तों 3 लाइट दी हुई है, रेड वाली लाइट जो देख रहे हो आप, ये वाली रेड वाली, ये पावर ऑन की लाइट है दोस्तों, ये टेम्परेचर की लाइट है दोस्तों। अगर टेम्परेचर इसके अंदर हीटसिंक जो लगी हुई इसके ट्रांजिस्टर में ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों, तो ये अगर इसकी मतलब कैपेसिटी ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो ये लाइट शो करेगी येल्लो वाली। देख सकते हो येल्लो लाइट जलने लग जाएगी दोस्तों, जिससे आपको समझ जाना है कि आपको एम्पलीफायर ज़्यादा गर्म हो गया। वैसे तो गर्म नहीं होता दोस्तों, लेकिन कभी कभी किसी कारण से अगर फैन वगैरह जल जाते हैं तो दोस्तों ये समस्या आ जाती है दोस्तों। ये जो हरी वाली लाइट देख रहे हो आप, ये वाली दोस्तों, ये ओवरलोड की लाइट है। अगर दोस्तों आप इस एम्पलीफायर पे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा लोड अगर डालेंगे तो दोस्तों ये ओवरलोड शो कर जाएगा, जिससे आपको समझ जाना है कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हो गया है दोस्तों। इसका फ्रंट व्यू में इतना ही है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों इसका साइड व्यू देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों इसका हैंडल है, इस साइड भी दोस्तों हैंडल है ये दिया हुआ, देख सकते हो। ये देखिए अब इधर इसका दोस्तों साइड व्यू है। ये देखिए दोस्तों, इसमें वेंटिलेशन दी हुई है यहाँ पे और एक यहाँ पे दोस्तों, अंदर हवा आने जाने के लिए, जिससे कि अंदर के जो ट्रांजिस्टर और हीटसिंग है कूल रहे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बैक साइड की। ये दोस्तों हो गया इसका बैक साइड, देख सकते हो आप ये बैक साइड दोस्तों। यहाँ पे इसकी केबल लगाने के लिए दिया हुआ खांचा, इसमें इसकी केबल को निकाल लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, इसकी केबल कितनी बढ़िया क्वालिटी की दी हुई है, मतलब जाड़ी मोटी। तो पूरे निकाल लेते हैं ये एसी केबल का कनेक्शन दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसमें स्टैंड दिया हुआ है, ये स्टैंड दिया हुआ है दोस्तों, इसमें खड़ा रखने के लिए भी दोस्तों। ये रिसेट बटन है जो स्टेंजर में हमेशा पीछे आता है, रिसेट बटन। ज़्यादा दोस्तों अगर आप इससे कैपेसिटी ज़्यादा अगर लोड इस पर डालोगे तो ये ओवरलोड पर शो करेगा और ये रिसेट बटन जो है बाहर आ जाएगा, तो उसको वापस दबा के आपको पुश करके इसको ठीक कर सकते हो। अब दोस्तों इधर देखते हैं, दोस्तों ये इसका अर्थिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोस्तों वो जो की प्रॉब्लम आती है ना स्पीकर में, ये अर्थिंग देने से दोस्तों ख़त्म हो जाती है। अब इधर बात करें दोस्तों, तो ये इसका फैन हो गया, ये फेन है दोस्तों इसका। और इधर देखे दोस्तों, तो इसमें ये हॉर्न चलाने के लिए कामन 70 और 100 वोल्ट दिया हुआ है, जो कि स्पेशल हॉर्न चलाने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। स्पीकर के लिए इसमें आप देख सकते हो कॉमन 2 ओम और 4 ओम दिया हुआ है आउटपुट, देख सकते हो ये दोस्तों। इसमें एक
लाइन इन दिया हुआ है, एक लाइन आउट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बैक साइड में कुछ इतना ही है। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की। दोस्तों एक साइड और बची हुई है, तो आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो इधर साइड भी दोस्तों, इसमें वेंटिलेशन दी हुई है दो। ठीक है दोस्तों, इसके फ्रंट मतलब इतना ही है इसके, इसमें जो भी है ऊपर साइड। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें इसके अंदर साइड, मतलब क्या क्या ट्रांजिस्टर और क्या क्या मतलब कौन से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर कौन से हैं, अगले वीडियो में सब इसके बारे में बात करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कीजिए।